वहीं खबर अब भोपाल से मिल रही है, जहां सीएम के संपर्क में आए कई मंत्रियों और अधिकारियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जी हां, राहत भरी खबर। मंत्री गोपाल भार्गव, मोहन यादव, प्रद्युमन सिंह तोमर की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। विश्वास सारंग, इंदल सिंह कंसाना की भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके साथ ही कई अधिकारियों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। तो जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना से संक्रमित पाए गए, हालांकि उन्होंने खुद ही ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और ये अपील की कि जो जो उनके संपर्क में आए हैं पिछले 10 दिनों में, वो अपना कोरोना टेस्ट करवाएं, क्वारंटाइन हो जाएं। और इसके बाद देखिए, सभी मंत्रियों ने अपनी जांच कराई जो जो उनके संपर्क में आए और अधिकारियों ने, हालांकि ये राहत भरी खबर कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वासु चौरे जुड़ चुके हैं। वासु, ये राहत भरी खबर है कि जो कांटेक्ट में आया है सीएम के, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। बिल्कुल करिश्मा, देखिए परसों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद उन तमाम मंत्रियों, विधायकों और अफसरों के बीच हड़कंप की स्थिति बन गई थी जो पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में आए थे। शिवराज सिंह चौहान काफी एक्टिव मुख्यमंत्री माने जाते हैं और लगातार अपने मंत्रियों से, विधायकों से, कार्यकर्ताओं से और तमाम जो अफसर है उनके साथ बैठकें करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। शिवराज सिंह चौहान रोजाना 3 सरकारी बैठकें कर रहे थे। इसके अलावा वो पार्टी कार्यक्रमों में शामिल होने बीजेपी ऑफिस भी पहुंचते थे, वहां पर वो लगातार कार्यकर्ताओं के बीच बने रहते थे। ऐसे में बड़ी संख्या में वीवीआईपी, मंत्री, अफसर और कई कार्यकर्ता उनके संपर्क में आए थे। लेकिन अभी राहत भरी खबर ये मिल रही है कि जो ज्यादातर मंत्री हैं, विधायक हैं, जिनसे शिवराज सिंह चौहान ने 1-to-1 चर्चा की थी, उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसमें विश्वास सारंग, मोहन यादव, एदल सिंह कंसाना, ये तमाम वो नाम है जिनकी रिपोर्ट अभी हमको जानकारी मिल रही है कि नेगेटिव आई है। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर की रिपोर्ट जो है कोरोना की, वो नेगेटिव पाई गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल की भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि फिर भी एहतियातन अभी बहुत से मंत्री क्वारंटीन है, बहुत से विधायक क्वारंटीन है और जो बाहर के लोग हैं उनसे संपर्क नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी राहत है चूंकि लगातार इनका शिवराज सिंह चौहान के साथ उठना बैठना चल रहा था। और ये बहुत अच्छी बात है कि उन सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, राहत भरी खबर। ये बताएं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अभी हालत कैसी है, क्या कुछ बताया जा रहा है उनके बारे में? बिल्कुल, देखिए शिवराज सिंह चौहान की जो हालत है वो अभी बेहतर बनी हुई है, स्थिर बनी हुई है। लगातार वो जो डाइट है, जो कोरोना के लिए डॉक्टर्स की तरफ से जो सजेस्टेड डाइट है वो ले रहे हैं और कल रात उन्हें अच्छी नींद भी आई, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। जो उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा रहा है COVID-19 सेंटर चरायू हॉस्पिटल की तरफ से, उसको भी पूरी तरीके से नॉर्मल बताया जा रहा है करिश्मा। और केवल उनकी जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। इसके अलावा जो उनकी सभी जाँचें हुई हैं उन सबकी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो नॉर्मल आई हैं। वहीं वो COVID-19 हॉस्पिटल में भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, लगातार फैसले भी ले रहे हैं, बैठकें भी ले रहे हैं और अधिकारियों के साथ साथ जिन मंत्रियों को शिवराज सिंह चौहान की अनुपस्थिति में प्रदेश की जो कमान है वो संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, कोरोना के समीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, उनसे भी लगातार वो चर्चा में बने हुए हैं, उनसे भी फीडबैक ले रहे हैं और अपनी राय भी लगातार दे रहे हैं। तो ये जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं ये काफी सुखद हैं और इनसे साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि शिवराज सिंह चौहान ठीक हैं, उनका कोरोना का इलाज हो रहा है और जल्द ही वो इस बीमारी को हराकर वापस लौटेंगे और प्रदेश की जो बागडोर है वो संभालते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल वासु, और ये राहत भरी खबर और कहीं ना कहीं प्रदेशवासी जो उनके लिए दुआएं कर रहे हैं और जल्द ही सीएम शिवराज सिंह चौहान वापस लौटेंगे। हालांकि देखिए, हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी वो किस तरीके से सक्रिय हैं, हर एक्टिविटी पे उनकी नजरें हैं और प्रदेश के मुखिया हैं और उनका जिस तरीके से जनता की समस्याओं को सुनना काम है, अभी भी वो हॉस्पिटल में रहकर ये काम कर रहे हैं। बेहद अच्छी खबर ये कि उनकी हेल्थ अच्छी है, पहले से बेहतर बताई जा रही है। और इसके साथ ही जो जो उनके संपर्क में आए हैं, जो मंत्री अधिकारी उनके संपर्क में आए हैं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बहुत बहुत शुक्रिया वासु हमारे साथ जुड़ने के लिए।